सभी ईश्वर की संतान है। वसंत ऋतु के एक सुहाने दिन में राजकाज से निपटने के बाद बादशाह अकबर हमेशा की तरह बीरबल के साथ अपने महल के बागीचे में टहलने के लिए निकले थे। बागीचा चार छोटे छोटे हिस्सों में बंटा हुआ था। चारों हिस्सों की सीमाएं सुंदर फूलों के पौधों की बनी हुई थी। हर बागीचे के बीचों बीच एक खूबसूरत फव्वारा था जिसमें से निर्मल जल निकलता रहता था। बीरबल, हम यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। जी हुजूर, जैसे आपकी मर्जी। उस खूबसूरत बागीचे की मनमोहक संरचना को देखकर बीरबल मंत्रमुग्ध थे। ऊपर वाला तो महान है, उसने हमें इतने सारे खूबसूरत फूल दिए हैं। तुमने सही कहा, लेकिन बीरबल हमारे खुदा का कोई मुकाबला नहीं है और तुम्हारे भगवान तो कुछ ज्यादा ही निराले होते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करने वाले बादशाह अकबर के मुंह से ऐसी बात सुनकर बीरबल को ताज्जुब हुआ। बादशाह सलामत, आपका मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं, आप जरा खुलकर बताएं। जरूर बीरबल, अपने भगवान कृष्ण को ही देखो। जब भी उनका कोई भक्त उनसे मदद मांगता है वो खुद दौड़ पड़ते हैं। वो अपने किसी सेवक को क्यों नहीं भेजते? ये सुनकर बीरबल का दिमाग एक योजना बनाने लगा। जहाँ बना, मुझे आप कुछ दिनों की मोहलत दें ताकि मैं अपने भगवान के इस व्यवहार का कारण आपको बता सकूं। बादशाह से इजाजत लेकर बीरबल वहाँ से चले गए। अगले ही दिन अपनी योजना के अनुरूप बीरबल एक मोम के शिल्पकार के पास पहुँचे। शिल्पकार अपने घर के बाहर बैठा शरबत पी रहा था। पधारिए हुजूर, आपने कहला दिया होता मैं खुद आपसे मिलने आ जाता। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें बादशाह अकबर के पोते शहजादे खुर्रम का एक मोम का पुतला तैयार करना होगा। हुजूर, वो बन जाएगा। आपको वो कब तैयार चाहिए? कल ही हो जाएगा हुजूर। बीरबल वहाँ से महल की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने शाही खानदान के एक भरोसेमंद व्यक्ति से मुलाकात की। कल मैं तुम्हें शहजादा खुर्रम का मोम का एक पुतला दूंगा, तुम उसे शाही बागीचे के तालाब के पास ले जाना। हमेशा की तरह मैं और बादशाह वहाँ टहलने जाएंगे। मेरा इशारा मिलते ही तुम उस पुतले को अपने हाथ से फिसल कर तालाब में गिर जाने देना। तुम्हारी चीख से ऐसा लगना चाहिए कि वो पुतला नहीं सचमुच शहजादे ही है। शाही खानदान का वो सदस्य जानता था कि बीरबल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने वादा किया, आपने जो कहा वो हो जाएगा। अगली सुबह मोम का शिल्पकार मोम के पुतले के साथ बीरबल के सामने हाजिर हुआ। पुतले को देखकर बीरबल को तसल्ली हो गई। उन्होंने शिल्पकार को एक अच्छी रकम के साथ विदा किया और उस पुतले को ले जाकर शाही खानदान के सदस्य को दे दिया। वाह, ये तो बिल्कुल शहजादे जैसा दिख रहा है। याद रहे, ये हमारी योजना के मुताबिक ही होना चाहिए। हर रोज की तरह उस शाम भी अकबर और बीरबल शाही बागीचे में टहलने के लिए गए। जब वो बागीचे की लगभग आधी दूरी तय कर चुके थे तो बीरबल ने बादशाह की नजर बचाकर हाथ में शहजादे के पुतले को लिए शाही सदस्य को इशारा किया। वो आदमी शहजादे के पुतले को लेकर जब तालाब की ओर बढ़ा तो बादशाह अकबर का ध्यान उस ओर खींच गया। उनकी नजरों के सामने ही शहजादे का पुतला उस आदमी के हाथों से फिसल कर एक जोरदार छपाके के साथ तालाब में जा गिरा। बादशाह घबरा गए। मेरा पोता पानी में गिर गया। बादशाह चिल्लाते हुए बिजली की तेजी से उस तरफ भागे। महान मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली बादशाह ने एक पल गवाए बगैर उस तालाब में छलांग लगा दी। कुछ समय तक पानी के अंदर अपने पोते को ढूंढने के बाद वो शहजादे के पोते को लेकर पानी के ऊपर आए। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक मोम का पुतला था तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। इस बीच बीरबल तालाब के पास पहुँचे और उन्होंने पानी में गिरे हुए दुखी बादशाह को तालाब से बाहर निकाला।
जहाँ पना, आपने तालाब में खुद क्यों छलांग लगा दी? आप कांप रहे हैं, आपको जुकाम हो सकता है, आपके कपड़े भी खराब हो रहे हैं। आप किसी सिपाही या माली को इस काम के लिए बुलवा लेते हैं। आपने खुद इतनी तकलीफ क्यों उठाई हुजूर? बीरबल, तुमने देखा नहीं कि मेरा अपना पोता, जो मुझे नहीं पता था कि सिर्फ एक पुतला है, पानी में गिर गया, और उसकी जान मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। उसे बचाने के लिए मैं किसी और का इंतजार कैसे करता? आपने सही कहा हुजूर, ऐसा ही हमारे भगवान भी महसूस करते हैं। हमारे भगवान कृष्ण के लिए उन पर निर्भर करने वाले लोगों से ज्यादा और कोई भी प्यारा नहीं, इसीलिए वो मदद करने खुद आ जाते हैं, भले ही कोई आए या फिर ना आए। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। जब कोई हमें बहुत प्यारा होता है तो हमारे लिए वो उतनी ही अहमियत रखता है जितना कि हमारे बच्चे। ईश्वर से मदद मांगने वाले उनके बच्चे ही तो हैं। और ये बात सिर्फ एक ही भगवान तक सीमित नहीं है, सभी भगवान ऐसे ही हैं, क्योंकि दरअसल वो सब एक ही हैं। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए स्नेह पूर्वक बीरबल के कंधे को थपथपाया। एक बार फिर तुमने अपनी बात साबित कर दी दोस्त।